ओम शांति। हमारा सबसे मुख्य सब्जेक्ट है योग अभ्यास। योग में ही हमें सबसे ज्यादा सुख मिलता है, शांति की अनुभूति होती है, चित्त चैन पाता है और सर्वशक्तिवान से शक्तियां भी मिलती हैं। तो अपने से पूछना है, क्या हमारा योग पर उतना ही अटेंशन है जितना इसका महत्व है? हमारा एक एक सेकंड का योग अभ्यास प्रकृति को बदलने वाला है, ग्रह और नक्षत्रों पर प्रभाव डालने वाला है। हमारे योग बल से सारे संसार को निरंतर सकास मिलती रहती है, तो क्या हम इसको इतना ही महत्व दे रहे हैं? न केवल इससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं, बल्कि बुद्धि भी बहुत डिवाइन हो जाती है, हमारी प्योरिटी निरंतर आगे बढ़ती जाती है और हम अपने जीवन का संपूर्ण सुख प्राप्त कर सकते हैं। हम राजयोग को इस रूप से भी जान लें कि राजयोग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, हमें विश्व पर राज करने की कला सिखाता है। तो आइए हम बाबा का एक सुंदर महावाक्य याद करें। बच्चे, तुम दो युग देवताओं के साथ रहे, तुमने दो युग मनुष्यों के साथ रहकर भी देख लिया, अब भगवान के साथ रहो। योग माना भगवान के समीप रहना, उसके साथ रहना। जब हम उसके साथ रहते हैं तो जो कुछ उसमें है वो हम में समाने लगता है, उसके संपूर्ण वाइब्रेशंस, उसकी संपूर्ण एनर्जी हम में आने लगती है। तो हम विशेष रूप से योग अभ्यास पर महत्व दें, केयरलेस न हो जाएं कि थोड़ा याद कर लिया, सवेरे थोड़ा उठे, बाबा से गुड मॉर्निंग कर ली, सारा दिन अलबेलेपन में बिता दिया, व्यर्थ बातों में बिता दिया, व्यर्थ संकल्पों में बिता दिया। अगर हमारा समय व्यर्थ में बीतता होगा तो जो थोड़ा बहुत हमने योग लगाया उसकी शक्ति तो सहज ही नष्ट हो जाती है और हमें आगे बढ़ने का अनुभव नहीं होता, संस्कार बदलने का अनुभव नहीं होता। देखने वाले भी यही कहते हैं, ये लंबा समय से ज्ञान में तो चल रहे हैं परंतु इनके जीवन में कोई चेंज दिखाई नहीं देती, क्योंकि योग अभ्यास बहुत कम है। योग से ही आत्मा में शक्ति आती है श्रेष्ठ कर्म करने की, स्वयं को बदलने की। योग ही हमें डीप रियलाइजेशन भी कराता है और अनुभवों की खान भी बना देता है। तो यही समय है जब हम योग का परम सुख ले सकते हैं, बाकी तो भक्ति मार्ग में हमारी केवल खोज बनी रहेगी, किसी की तड़फन बनी रहेगी, किसी की भटकन कायम रहेगी। तो जब अब हमें संपूर्ण ज्ञान मिला है तो बुद्धि को स्थिर करें, एक के सिवाय हमें कुछ भी दिखाई ना दे, तो आज सारा दिन हम अपनी बुद्धि को दो स्वरूपों पर स्थिर करने का अभ्यास करेंगे। पहले स्वयं को देखेंगे, मस्तक के बीच चमकता हुआ तेजस्वी सितारा, मास्टर ज्ञान सूर्य। 10 सेकंड तक स्वयं को देखते ही रहेंगे, मुझसे चारों ओर बहुत सुंदर गोल्डन डिवाइन किरणें फैल रही हैं। फिर परमधाम में बुद्धि को ले चलेंगे और सर्वशक्तिवान पर बुद्धि को स्थिर करेंगे, ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सृष्टि के बीज रूप है, केवल वही दिखाई दे रहा है। फिर वापिस आत्मा पर
फिर परमात्मा पर ऐसा अभ्यास हर घंटे में एक दो बार अवश्य करेंगे तो सारा दिन बुद्धि एकाग्र रहेगी, व्यर्थ की ओर आकर्षण भी नहीं होगा, पदार्थों से मन और बुद्धि की आसक्तियां निकलती जाएंगी, ऑटोमेटिकली स्थिति में विकास होता हुआ नजर आएगा। ओम शांति।